हाय डियर माय फ्रेंड्स, देखो अभी 90 रुपीज़ प्रॉफिट ऑन 20, 200, 300 प्रॉफिट हो रहा है। वो भी कितना, दो बस के 10 मिनट में लिया। अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ लेते हुए, क्योंकि अभी दोनों में प्रॉफिट है, राइट, 97। तो यहाँ पे ब्रोकर शेयर में अगर बोलो तो 40 40, 20 40 80 रुपये ब्रोकर चार्ज लगेगा, राइट। तो यहाँ पे ऑलरेडी अभी एंट्री लेने का साथ ही हमको ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, तो यहाँ पे हमारा ये 56 और 42 अभी जस्ट लिया है। थेटा अभी मेरे को ज़्यादा नहीं मिलेगा, क्योंकि मेरे पास टाइम भी ज़्यादा नहीं था। 2 बजे ट्रेड लिया बिल्कुल, अरे अभी तो साइडवेज मार्केट है इसीलिए मैं ले लिया। अगर इसमें से 200 रुपये भी आ जाएगा तो मेरा कैपिटल ग्रो हो जाएगा ना, 1:1 मिल जाएगा अपन को कैपिटल में। यहाँ पे मार्जिन कितना यूज है मेरे को पता नहीं, क्योंकि मैं जल्दबाजी में ट्रेड किया। यहाँ पे अपन को प्रीमियम मिलेगा 7,515 रुपीज़ प्रीमियम मिलेगा। मार्जिन 10 से अच्छा यूज हुआ शायद, क्योंकि फंड बहुत ज़्यादा यूटिलाइज नहीं, 7,000 फंड है और 55,000 यूज हुआ है यहाँ पे। 55,262 यूज हुआ, और फंड मेरा पास यहाँ पे इतना फंड पड़ा है 7,570। अभी इसमें लास्ट प्रॉफिट दिखा जाएगा, वो भी 3 3:30 बजे होल्ड करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ में ट्रेड ही लिया है 2 बजे, तो मेरे को तो होल्ड करने के लिए मैं यहाँ पर ट्रेड लिया, ठीक है, क्या होता नहीं होता। और प्रॉफिट यहाँ तो मेरा ब्रोकरेज चार्ज ऑलरेडी निकल जाएगा, फिर देखा जाएगा क्या होगा। प्रैक्टिस देन परफेक्ट, राइट। लाइव ट्रेड करना जरूरी है। मेरे टाइम नहीं, अभी एनालाइज भी ज़्यादा टाइम नहीं कर पाया यहाँ, सीधा सीधा एनालाइज ऑप्शन से देख के ले लिया, कोई ज़्यादा बड़ा एनालाइज नहीं किया। 18,000 लेवल तो मेरा स्ट्रॉन्ग, 12,000 का एक स्ट्रॉन्ग देखो यहाँ पे, और इसका जितना है ऊपर का ये अनवाइंडिंग हो रहा है। अनवाइंडिंग मतलब यहाँ से पोजिशन निकल रहा है, ट्रेड जो लोग सेल किया प्रॉफिट बुक कर रहा है। तो मैं क्या किया, यहाँ का हम एक 12,000 का शॉर्ट कर दिया, और मैं यहाँ के 16,000 का एक शॉर्ट कर दिया, क्योंकि यहाँ पे भी अच्छा खासा दो सपोर्ट है, मतलब दो एक सपोर्ट एक रेजिस्टेंस ढूंढ लिया मैं, बस मेरा काम हो गया। आज का अंदर ये भाग नहीं सकेगा। यहाँ पे कुछ, यहाँ पे 42 40, यहाँ पे थोड़ा एडिट करना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा एडिट करना ज़रूरी है। और मेरे पास मेरा जो भी है यहाँ पे दे रहा है, जो भी है 300 प्रॉफिट दे रहा है, वो भी मैं निकाल दिया, क्योंकि प्रॉफिट वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ 3 बजे तक प्रॉफिट ऑलरेडी मिल जाएगा, क्योंकि मैं ऑप्शन सेलर हूँ, मेरे को थेटा चाहिए, साइडवेज अभी ऑलरेडी है, इसीलिए तो मैं लिया है एंट्री भाई साइडवेज मार्केट में। तो मेरे को ऐसा क्यों हो रहा है, थोड़ा सा बंद करके आता, क्योंकि ऑप्शन सेल अगर बायर होता ना यहाँ पे, मैं गारंटी से बोल सकता मेरे लॉस होने वाला है, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। और यहाँ पे अपन को टाइम नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अपन को पास जितना टाइम है उसके वहाँ से 300 रुपये मैक्सिमम मिल जाएगा, क्योंकि मेरा कैपिटल 1:1 तो मिलेगा कम से कम। देखो 190, अगर मैं यहाँ पे भी एग्जीक्यूट करके दिया देर दिया तब भी मेरे को यहाँ से 100 रुपये कट होगा, मतलब जो भी हम मेरे ब्रोकर चार्ज निकाल के फिर भी मेरे पास क्या है 1:1 मिल जाएगा। तो ऑप्शन सेलर में इतना अच्छा खासा बेनिफिट हमेशा ही मिलेगा मेरे को, ठीक है। कैपिटल को कैसे ग्रो करना, धीरे धीरे मतलब कैपिटल को बढ़ाना, ऐसे ही बढ़ाना जाता है, ठीक है। मैं क्लोज करता हूँ वीडियो को और एक्सिस दिखाऊंगा आप लोग को इंडिकेटर को, ठीक है। देखो इंडिकेटर यहाँ से सिग्नल दिया, बाय सिग्नल, अगर हम 5 मिनट में जाएगा तो अच्छा खासा बाइंग साइड का जून है। मगर मैं इतना सब्र से अगर ट्रेड करता था मेरे को बहुत अच्छा खासा 800 900 रुपये मिल जाता, क्योंकि प्रॉपर साइडवेज मार्केट है, ठीक है। और मैं तो यहाँ कितना बजे लिया मार्केट, 9 बजे से, मतलब तो पूरा दिन भर में बैंक निफ्टी का पूरा साइडवेज मिलता, अच्छा खासा कैपिटल बन जाता आज। मगर मेरे पास टाइम नहीं था, अभी आया 1 बजे, फिर खाना वाना खा के आया 2 बजे, ठीक है। तो भी मैं 15 मिनट थोड़ा सा कैपिटल में ले लिया ग्रो करने के लिए, फिर देखा जाएगा ऊपर नीचे। आज इस 2 बाउंस है, यहाँ से तो नहीं निकलेगा, यहाँ से निकल ओवरऑल प्रॉफिट मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको देखने का जरूरत नहीं, मैं इसको काट देता हूँ, ठीक है। वीडियो काफ़ी बड़ा बनाऊंगा नहीं, ठीक है, यहाँ से कुछ एडिट कर दूंगा। जो प्राइस में मैं लिया राइट, तो 100 रुपीज़ प्रॉफिट चल रहा है, तो दैट्स प्रॉफिट, वेरी गुड प्रॉफिट, राइट। क्योंकि ये हमें ऑप्शन सेलर हूँ, मेरे को कभी लॉस ही नहीं हो सकता है, मैं लॉस का काम भी नहीं करता कभी। अगर मेरे पास क्या है, मेरे पास
अब मेरा स्टॉप लॉस है, देखो स्टॉप लॉस कितना में लगाया मैं, 84, 84, क्योंकि मेरा स्टॉप लॉस 80, यहाँ पे 85 आ रहा है तो मैं 84 लगाया, थोड़ा सा कम लगाया, क्योंकि यहाँ पे 80 रुपीज़ स्टॉप लॉस किसी का औकात ही नहीं है, ठीक है। तो मैं 80 रुपीज़ स्टॉप लॉस हमारा लिया हुआ कितना में है वो तो देखना चाहिए ना। तो वर्किंग यहाँ पे वर्किंग नहीं चाहिए, ये तो बाई स्टॉप लॉस लगाया मैंने, ठीक है। तो वर्किंग 41 चल रहा है, सॉरी ये लॉस चल रहा है, प्रॉफिट चल रहा है, ओवरऑल 55 और 43 प्रीमियम। तो हम लिया कितना, 57 में और 42 में, तो 45 सर 85 सर, राइट, ये दोनों को वहाँ यहाँ पे हम लिखेगा, ठीक है। तो हम कैंसिल कर देता है, तो कैसा मैं बाद में लिख के बताता हूँ, यहाँ पे मॉडिफाई कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे 42 80 राइट मॉडिफाई हो गया, और मेरे का, और मैं इसका भी मॉडिफाई कर देता हूँ, क्योंकि मेरे पास कितना था, 57 था, यहाँ पे 57.40, क्योंकि ये यहाँ से प्रैक्टिस करना पेपर ट्रेडिंग रियली जो होता है, तो रियली 97 है मतलब प्रॉफिट है, राइट। तो यहाँ पे रियली स्ट्रॉन्गर लॉन्ग लिखना, मैं सिंपल मैं सेल लिख देता हूँ, क्योंकि अपन को यहाँ पे 87 प्रॉफिट चल रहा है, दे आर यहाँ पे ऑन 27 राइट, 200 देखो प्रॉफिट, दिस प्रॉफिट ऑप्शन सेलर को मैं ऑप्शन सेलर हूँ, इसीलिए देखो अगर मैं यहाँ पे एक लॉट में ट्रेड किया, क्योंकि जल्दबाजी में ज्यादा ट्रेड नहीं ले सकता, 20 आया मैं क्या ट्रेड लेगा बताओ, 2 बज गया ट्रेड लेके फंसूंगा क्या, इसीलिए मैं एक लॉट ले लिया, तभी मेरे ऑनेस्ट टू वन मेरे कैपिटल में ऑलरेडी मिल चुका था 200 300, फिर भी मैं यहाँ पे होल्ड कर रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा और मिल जाता तो अच्छा है, नहीं तो पोजीशन कल निकाल दूंगा, कि यहाँ पे बिल्कुल लॉस तो मेरे को होने वाला नहीं है, अगर बड़ा ट्रेंडिंग भी आ जाएगा तब भी मेरे को बुल्ला भी उखाड़ नहीं सकता है, ठीक है। यहाँ पे मेरे ट्रेड कार्ड्स और कॉन्फिडेंस का शायद यहाँ पे 200 या 75, ठीक है। अब मेरे पास कैपिटल मतलब ग्रो कैसे करना है ये हमेशा ध्यान देना, ठीक है। यहाँ पे अगर देखूंगा तो यहाँ पे आर ओ पे सेम ही है, कोई ज्यादा इधर उधर फर्क नहीं, क्योंकि यहाँ आर ओ अभी बराबर एडिटिंग हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे 157 और यहाँ पे 168, मतलब यहाँ ये लाइव चलता है, इसको थोड़ा रिफ्रेश करना पड़ता है जी, इसीलिए तो मतलब जो यहाँ पे भी है यहाँ पे भी, अगर मेरे को लॉस कितना है मालूम है, मेरा ब्रेक इवेंट कितना, 11,500 और 12,100, ठीक है, इसको मेरा ब्रेक इवेंट, तो इसको बाद ही मेरे को लॉस उठाना पड़ेगा, तो उसका पहले ही मैं एग्जीक्यूट हो जाएगा, पॉसिबिलिटी 62%, ठीक है। तो मेरा पास अनलिमिटेड मैक्सिमम प्रॉफिट इतना है, 7,515 रुपीज़ मेरे को प्रॉफिट होगा, अगर जीरो हो जाएगा तो आज जीरो तो होने वाला नहीं, ओवरनाइट रखना पड़ेगा, मैं इंट्राडे लिया है, ओवरनाइट रखने के लिए फिर दोनों पोजीशन को बाय भी करना पड़ेगा, 16,000 यहाँ पे आगे भी बाय करना पड़ेगा, इसका आगे भी बाय करना पड़ेगा, तो ओवरऑल सिनारू 157, ठीक है। जो भी है यहाँ पे अब लोग को तो दिखा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे ग्रीक्स कितना है इसका, ग्रीक्स मिल रहा है 26, ठीक है, डेल्टा और 25 और 26 करीब करीब सेम ही है, ठीक है। और लॉस हुआ तो 1-1 लॉस होगा, ठीक है, और प्लस थीटा हमारे पास दबा के है, राइट, 4940 थीटा है, मतलब इतना थीटा आज नहीं मिलने वाला है, फिर भी मतलब गेमा तो हाई नहीं और भेगा तो हम लोग को पास हाई नहीं, क्यों, हम लोग दोनों बाय नहीं किया, आगे एक बाय या पीछे एक बाय करे तो हम लोग के पास बटरफ्लाई स्ट्रेटेजी हो जाता है, तो हम लोग बाय नहीं करेगा, बाय करते फिर हम लोग को क्या प्रॉफिट मिलेगा, इतना था थोड़ा तो रिस्क उठाना पड़ता ना, 161 57 जो भी प्रॉफिट है बस, काई को प्रॉफिट इज वेरी इंपॉर्टेंट बच जाता। फिर यहाँ पे अगर इंडियन विक्स को देखूंगा हम, ठीक है, इंडियन विक्स किधर है ये है, देखो इंडियन विक्स को हम दिखा देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे आप लोग को बस देखो इंडियन विक्स को हम थोड़ा सा बड़ा करके दिखाता हूँ, अगर मैं इंडियन विक्स को दिखाऊंगा तो क्या है, कल था कितना, 24 था, अभी हम लोग को पास 23 4, जो भी इंडियन विक्स 23 4 5 6 था, तो वहाँ पे कुछ साइडवेज मतलब स्लो हो चुका है, इसलिए मैं ट्रेड लिया है, अभी इतना दिखा नहीं है जल्दबाजी में, जल्दी जल्दी ट्रेड ले लिया, ठीक है। तो जो होगा तो देखा जाएगा पोजीशन क्या है, नहीं यहाँ कितना, 11,000 12,000 का सी और 16,000 से चौका पी, दोनों को मैं शॉर्ट कर देता हूँ, हमारा अभी तो पी में प्रॉफिट दे रहा है, 2 2 4 3 में प्रॉफिट दे रहा है, और ऑन 87 ऑन 53 अगर प्रॉफिट देखेगा तो प्रॉफिट आपको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है, देखने को 156 ये प्रॉफिट है, ये लॉस है, ये दिन प्रॉफिट है, राइट। तो लॉस था हम लोग को रिकवर, ऑप्शन सेलर को यही बेनिफिट होता है, एक लॉस जाएगा एक प्रॉफिट मिलेगा, ओवरऑल मेरे को प्रॉफिट चाहिए, बस इतना ही बात है। तो
तो मैं थोड़ा होल्ड करना, बेटर मैं 3:30 बजे तक होल्ड करूंगा, क्योंकि मेरे पास टाइम मैं लिया ही 2 बजे, तो क्या करेगा, इसीलिए होल्ड करना पड़ेगा। 200 रुपये ऑलरेडी दे रहा है, तो मैं वीडियो को यहाँ पे ही क्लोज करना चाहता हूँ कि बड़ा नहीं बनाना चाहता हूँ। ठीक है, अगर अच्छा खासा कैपिटल बनाना चाहता है तो ऐसा धीरे धीरे कैपिटल को आगे ग्रो करो, उसके बाद सिंगल में ट्रेड करो। मेरे को पता है मार्केट ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे कोई भी यहाँ पे मार्केट की डिसीजन नहीं है, क्योंकि ये साइडवेज मार्केट है अभी ऑलरेडी, तो इसीलिए हम यहाँ पे डिसाइड नहीं कर सकते। यहाँ पे ऑलरेडी बेटर होगा आपको ट्रेड लेना, ठीक है, 200 रुपये का प्रॉफिट। देखो यहाँ पे प्रॉफिट भी इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, प्रॉफिट में 210 to 30, 20, ठीक है। तो मैं सवेरे से लिया तो मेरे को 800-900 रुपये मिल जाता, क्योंकि ज़्यादा कैपिटल हाई नहीं है यहाँ पे। मैं क्यों 55,262 कैपिटल यूज़ किया, वो भी ऑप्शन सेलिंग के लिए। अगर मैं यही मार्जिन अगर दूसरा मैं यूज़ करता, जैसे LS Blue, उसके बाद LS Blue और क्या है, एंजल ब्रोकर, ठीक है, तो जो भी है ये दोनों का अंदर अगर मैं पोजिशन, तो यहाँ पे और भी यहाँ पे 200 देखने को ना, या 400 मिल देखने को मिलता, 400 मतलब टोटल यहाँ पे 700-800 देखने को मिल जाता, क्योंकि 3 से 4 लॉट ले सकता था ना, इसीलिए अगर लॉस हुआ तो भी उतना ज़्यादा भी दिखाता, ठीक है। तो यहाँ पे जितना है मेरा मतलब फायर में ट्रेड करने का एक मज़ा ही अलग है, एक प्लेटफॉर्म का अंदर हर जगह देख सकता है। तो वीडियो को क्लोज करता हूँ यहाँ पे, जो भी दिखाता हूँ टू प्रॉफिट एंड द लॉस, ठीक है, बाद में आपको दिखा दूंगा, कोई बात नहीं है। लॉस प्रॉफिट के बाद यहाँ पे हम लास्ट में वीडियो लाइव चल रहा है, लॉस हुआ लॉस बुक करेगा, प्रॉफिट देन प्रॉफिट ऑलरेडी तो है, मगर लॉस बुक करूँगा तो दिखा दूंगा, ठीक है। तो डियर माई फ्रेंड्स, यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑलरेडी हम लोग को क्या हो रहा है, देखो हमारा 42 में 39 आ गया, राइट, तो यहाँ पे ऑलरेडी गिर रहा है, इसका प्रीमियम बढ़ रहा है, तो ओवरऑल यहाँ पे प्रॉफिट ही है, कम ज़्यादा हो रहा है तो गिर रहा है बढ़ रहा है, ठीक है। अगर तो देखा जाए क्या होता है मार्केट, ठीक है, यहाँ पे ये देखो यहाँ पे ओवरऑल प्रॉफिट लॉस होते ही जा रहा है, ठीक है, तो ये क्या करूँ अभी। तो दोस्त लोग ऑलरेडी 300 प्रॉफिट दे रहा था, तो ऑलरेडी प्रॉफिट आ रहा है करीब करीब 40 प्रीमियम और 46। अगर यहाँ पे आधा घंटा भी रुक जाएगा ना, तो 500 क्रॉस ओवर हो जाएगा, तभी मैं एग्जीक्यूट कर दूंगा। थोड़ा अच्छा यहाँ पे प्रॉफिट दोनों में है ऑलरेडी, 210, यहाँ पे 300 भी हो जाएगा, कोई बात नहीं, मगर यहाँ पे दोनों में पॉजिटिव न्यूज़ है। देखो दोनों में हमको प्रॉफिट मिल रहा है, राइट, तो दिस गुड प्रॉफिट, राइट, क्योंकि यहाँ पे कोई ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं, फिर भी मैं होल्ड करूँगा। 300 प्रॉफिट्स वेरी इंपॉर्टेंट नहीं, 1:2, 1 रुपये स्टॉप लॉस और 1.5 रुपये ऑलरेडी मिल चुका है यहाँ पे, फिर भी मैं होल्ड कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास 3 बजे से 3:30 बजे तक तो होल्ड होना चाहिए यहाँ पे। साइडवेज मार्केट अगर 1 घंटा नहीं आधा घंटा हो जाएगा तो मेरे को अच्छे खासा प्रॉफिट देखने को मिलेगा 2 लॉट में ही, ठीक है। तो मैं वीडियो को क्लोज करता हूँ, देखता हूँ क्या होता है। ये देखो 42 प्रीमियम हो गया, राइट, या 40 रुपीज़ या 42, तो 2 रुपये घट चुका है यार, 56.7, 1 रुपये घट चुका है, ऑलरेडी दोनों में प्रॉफिट दे रहा है, राइट, तो भी फिर होल्ड करूंगा। प्रॉफिट दिस वेरी इंपॉर्टेंट, और जब मौका मिलता कब कभी छोड़ना नहीं है, ठीक है। दोस्त यहाँ पे एक चीज़ आप लोग को दिखाऊंगा, दोनों को दोनों देखो, हम 42 में लिया 40 रुपीज़, 40 और 42, 1, 2, 2 रुपीज़ प्रॉफिट ऑलरेडी दे रहा है, राइट, 57 में लिया 56, 1 रुपये प्रॉफिट दे रहा है, ओवरऑल दोनों में प्रॉफिट हो रहा है, राइट, 234, 233, क्योंकि यहाँ पे मार्केट टाइम भी ज़्यादा नहीं है, तो हम क्या करें बोलो, मेरे को कुछ काम तो है नहीं है, तो मैं इसको यहाँ पे स्टॉप लॉस को हम निकाल देगा, क्योंकि यहाँ पे स्टॉप लॉस बिल्कुल नहीं चाहिए, राइट, तो दोनों का स्टॉप लॉस हम निकाल देगा, तो करीब करीब इसका स्टॉप लॉस हमको निकालना पड़ेगा, फुल एग्जीक्यूटेड, यहाँ पे भी फुल एग्जीक्यूटेड, ठीक है। तो हम पोजीशन अभी 2 पड़ा है, राइट, तो हम यहाँ पहले तो जो 7 रुपीज़ का प्रॉफिट दे रहा है, राइट, तो मैं इसको निकल देता हूँ, क्लोज दिस पोजीशन, क्लोज दिस पोजीशन, राइट, तो पोजीशन को ऑलरेडी प्रॉफिट बुक हो चुका है, राइट, तो
मैक्सिमम प्रॉफिट 200 मिल चुका है, क्योंकि 300 था 200, दो भी ऑनेस्ट टू वन प्रॉफिट मिल गया यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे उतना ज़्यादा दिमाग लगाने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। उतना फिर फंड कितना आ गया, फंड 55,262, राइट। तो प्रॉफिट इंस 200। हाँ ले ले, अरे ट्रेड ले लिया, अभी होगा कम। तू तो बोला था 3 दिन का कर देंगे, खाई है इसने? नहीं बोला, बोला था ना जाना ना मैंने कर लिया। रोई से देख सब्जी तो खाई नहीं, मांस दे भाजी खाई इसने। जाते हैं बाहर कर लेना, किस रन में शवा से देख आए बोल रहा 3 दिन जान, ये एक टू गए तो असलम। तो डियर माइंड्स देखो, कैपिटल को कैसे ग्रो बनाना चाहता है, 202 रुपीज प्रॉफिट, राइट। देस यहाँ से ब्रोकरेज से ज़्यादा नहीं लगता, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहा हूँ मैं यहाँ, ठीक है। और जो भी ब्रोकर चलते 300 प्रॉफिट दे रहा है, वो भी मैं यहाँ पे और भी प्रॉफिट होता था, मगर मैं क्या है, मैं जल्दबाजी में ट्रेड अच्छा नहीं लगता। 241 राइट, यहाँ पे होल्ड करके और कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि जितना प्रीमियम गिरना है वो गिर चुका है, उससे और ज़्यादा नहीं गिरेगा, फिर ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, वो 200-300 का करीब ही रहेगा, ठीक है। तो इसीलिए मैंने पोजीशन निकाल दिया, क्योंकि यहाँ 42 और 54 हो गया है, मतलब अरे यार ये तो प्रीमियम गिर रहा है ऑलरेडी। तो फिर भी मैं एक बार देख लेता हूँ मेरा पोजीशन क्या है, नहीं है यहाँ 54 और 42, सॉरी यार, दैट्स फॉर वेरी वेरी सॉरी। यहाँ पे ऑलरेडी अच्छा खासा प्रॉफिट दे रहा था, क्योंकि देखो इसमें लॉस 75 है, इसमें 277 लॉस प्रॉफिट है, राइट। तो यह क्या है, हम जब है इसको चाहे तो फिर भी हम ट्रेड ले सकते हैं, मगर आज के लिए ट्रेड बता बस, क्योंकि टफ है आज। मैं ट्रेड लेने का मूड में नहीं था, फिर भी आ गया जल्दी कंप्यूटर से, हमने अब जल्दी जल्दी ऑप्शन से देख के थोड़ा सा ट्रेड ले लिया, क्योंकि कैपिटल को ग्रो कैसे करा जाता है देखो। अगर मेरे पे यहाँ पे 50 रुपया अगर मार्जिन लगता है ना, 50 रुपया अगर ब्रोकर चार्ज लगेगा, वो भी मेरे पास 150 रुपये तो बचा है कम से कम, ये फोकट का मतलब। यहाँ ट्रेड या वेरी इंपॉर्टेंट, क्यों ऑप्शन सेलर 1:1 मिल चुका है, अपना कैपिटल कितना है, अपना कैपिटल को नको देखो, अपन 1:1 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है वो देखो पहला, ठीक है। तो अपन को ऑलरेडी मिल चुका था, फिर मैं उसको एग्जीक्यूट कर दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे 1,000 रुपये 2,000 मैं कमाऊंगा नहीं, मैं छोटे छोटे कैपिटल को ग्रो करके फिर सिंगल लॉट में ट्रेड करूंगा, क्योंकि अपन को कैपिटल से 1 रुपया ने लॉस नहीं होना चाहिए, बस मेरा मतलब है। 200 रुपये कमाया वेरी इंपॉर्टेंट है, बस आज 200 कमाया, परसों 600 कमाया था, राइट। क्योंकि मेरे को पास उतना टाइम नहीं था ट्रेड लेने का, तो ये क्या है, इसको ग्रो किया मैं, लाइक मेरा कैपिटल 55,000 था, ठीक है। तो मैं अभी 55,000 से मार्जिन कैपिटल में हमारा कितना है, 55,262 रुपीज़ है, राइट। तो यहाँ पे और भी 200, तो प्लस जोड़ो कितना आ रहा है, ठीक है। और भी मतलब कैपिटल को कैसे ग्रो करा जाता है धीरे धीरे, ठीक है। अगर आप जल्दबाजी में ज़्यादा ट्रेड ले रहा है, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे जो भी मेरा मेरे पास जितना मार्जिन है, राइट, 55,000 मार्जिन है, राइट, तो मैं यहाँ क्या कर सकती, यहाँ पे फ्यूचर का लॉट में शॉर्ट करूंगा, राइट। मेरे को एक झटका में 5, अगर मैं यहाँ पे 55 में 15,000 × 4, तो मेरे को मैक्सिमम 4 लॉट शॉर्ट करने का मिलेगा। अगर 200, अगर 100 पॉइंट भी मिलेगा तो 2,000, राइट, 2,6, 8,000 रुपये मिलेगा अगर 4 लॉट में अगर 100 पॉइंट कैप्चर हो जाएगा तो, ठीक है। और थोड़ा सा और ज़्यादा हो जाएगा 200 पॉइंट, तो 8,000 रुपया, मतलब अगर लॉस भी हुआ ना तो मेरे को 6,000 8,000 रुपये लॉस लेना पड़ेगा, क्योंकि मैं 4 लॉट में ट्रेड कर रहा हूँ, तो मेरा कैपिटल ग्रो कहाँ हो रहा है, नहीं हो रहा है ना, क्योंकि लॉस अगर 8,000 हो जाएगा, आएगा 8,000, तो क्या है, इससे अच्छा ऑप्शन सेलर हूँ ना मैं, 8 200 रुपये कमाया, वो भी मेरे यहाँ से 50 रुपये जाने वाला है, और तो रुक जाएगा, फिर भी 150 रुपये तो बिल्कुल है, राइट। तो ये तुम लोग क्या है, 150 रुपये देख रहे हैं ना यहाँ पे, अगर तुम 2,000 क्वांटिटी ले उठा के देखो कितना आ रहा है। मैं मार्जिन में ट्रेड नहीं कर रहा, नॉर्मल में कर रहा था, क्योंकि मेरे पास जल्दबाजी में ट्रेड में नहीं करता वो, इसीलिए अगर मैं मार्जिन में उठाता ना यहाँ पे 10 10 लॉट उठाता तो कितना आता, 200 200 600 600 800
12-15-2 हज़ार हो जाता आराम से। तो तुम लोग समझता नहीं, ये बड़ा बड़ा इन्वेस्टर क्या करता है, इन लोग ऐसे ग्रो करता है धीरे धीरे, ठीक है। और तुम लोग जांडू गांडू है तो आके फिर क्या करते हैं, यहाँ पे मार्केट कैपिटल दावा लगा दे, जुआ का दावा यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे देखूंगा, यहाँ 290 देखो अभी 161 में आ गया, तो मैं यहाँ पे अभी मार्केट घूमेगा, दोनों में प्रॉफिट दे रहा है ये रियली, या 42-43 जहाँ पे, यहाँ पे जो भी लिया तो यहाँ पे दिया था राइट। तो यहाँ से आप चाहे तो यहाँ पे पेपर ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। आपके कार्ड्स मार्जिन नहीं है, आप डर लग रहा है, तो यहाँ पे पेपर ट्रेडिंग करना जरूरी है आपको, ठीक है। यहाँ पेपर ट्रेडिंग करने के बाद ही आप रियल लाइफ में प्रॉफिट कमा सकते हैं, देखो, ठीक है। मगर मैं अभी ओवरनाइट पोजिशन नहीं लूँगा, क्योंकि यहाँ पे अभी प्रॉफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे अभी पोजीशन को होल्ड करेगा सीएनसी, मतलब डिलीवरी ऑर्डर में होल्ड करेगा, क्योंकि यहाँ पे करीब करीब 3-3.5 दिन बाजने वाला है, तो इसीलिए यहाँ पे होल्डिंग होगा और मार्केट फिर वोलेटिलिटी हो जाएगा। देखो कितना, अगर मेरे पोजीशन नहीं निकला था अभी, मेरा प्रॉफिट भी यहाँ से निकल चुका, ठीक है। अभी प्रॉफिट देखूंगा करीब करीब यहाँ पे 65 रुपये हो सकता है, तो दिखा देगा यहाँ कितना है, 165 है, अभी भी चेंज नहीं हुआ, ठीक है। तो करीब करीब जितना भी लेके मार्केट प्रॉफिट दिस वेरी 200 प्रॉफिट किया, 300 भी हो जाता था, मगर प्रॉफिट दिस वेरी इंपॉर्टेंट राइट। मार्केट से निकालना फिर आप पे ट्रेडिंग करना वगैरह, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तुम लोग एक चीज में हमेशा ध्यान दे रहता, अगर मेरे पास जितना अभी कैपिटल है ना, मैं यहाँ पे 44 रुपीज सेल किया, 51 में सेल कर दिया राइट, तो अच्छा खासा टाइम पे मैं शॉर्ट कर दिया, वो भी 202 रुपये प्रॉफिट है राइट, 1-1 लॉट में भी मैं सही 100 रुपये चले जाना और 100 रुक जाना, वो भी मेरा कैपिटल तो कम से कम फंड में ग्रो हो तो हो रहा है ना। तो 55,000 से 262 यहाँ पे, और 200, 400 से मतलब जो भी 500 तो कैपिटल ग्रो हुआ, दो ट्रेड में लिया, अगले एक दिन ट्रेड लिया 400 लिया, आज 200, तो ओवरऑल ब्रोकर चार्ज निकल कर मैं, और 500 तो कम से कम है ना दो ट्रेड में, एक ट्रेड में हो जाता 500, और ब्रोकर चार्ज तो निकालना पड़ता ना, तो इसीलिए हमेशा ट्रेड करो, ब्रोकर चार्ज कैसा निकाल रहा है तो देखो, ये कैपिटल को ग्रो कैसे करना हो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ये आप बड़ा कैपिटल के साथ ट्रेड कर सकता है, ये जितना प्रॉफिट बुक किया ना, अगर 100 लॉट में आप ट्रेड करता, ठीक है, तो आपका कैपिटल है ये 2,000 रुपया 3,000 रुपया देखने को मिलता। अगर आप 400-500 लॉट अगर देखेगा बर्स ट्रेडिंग में, कितना 400-800 लॉट में ट्रेड करते राइट, तो 800 लॉट का कैपिटल यहाँ पे यूज करो, मैक्सिमम 10,000 आपको आ जाएगा राइट। वो अगर 1 रुपये भी आप कमाओगे ना यहाँ पे, ऑलरेडी मैं एक साइड से तो 2 रुपये कमाया, एक साइड से 1 रुपये लॉस किया राइट, तो ओवरऑल 2 रुपये तो प्रॉफिट कमाया मैंने, तो तभी जाके तो 200 मिला है ना। तो इतना सब ध्यान दो, कैपिटल को ग्रो कैसे करना वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है मेरे डियर माय फ्रेंड्स, क्योंकि आप प्रॉफिट का चक्कर में जिंदगी नो को भागो, क्योंकि प्रॉफिट हमेशा आप कमाओगे, कैसे भी कमा लेगा प्रॉफिट, मगर थोड़ा सा ध्यान देना। देखो डियर माई फ्रेंड्स, मेरा कोर्स लेना है तो ले सकता है, अगर मैं आप लोग को एक चीज दिखाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे मेरा जो मास्टर है वो भी देखो, उसका 8,000 प्रॉफिट है आज का कैपिटल राइट, वो भी बैंक निफ्टी में शायद होगा, बैंक निफ्टी में ट्रेड किया होगा। मैं एक बार आवाज निकाल के सुनता हूँ। हेलो एवरीवन, आज हम लोगों ने अगेन बैंक निफ्टी को सिलेक्शन किया है, और आज जो बैंक निफ्टी का इम्पोर्टेंट लेवल है दोस्तों 25,510, यहाँ पर जैसे अभी आप लोग देख सकते दोस्त, ये वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप कैपिटल यूज करके देखो। सो राइट नाउ दोस्तों, यहाँ पर जैसे अभी आप लोग ऑल लॉट के साथ, सो दैट रीजन मैंने जैसे मॉर्निंग में मैंने आप लोगों के एक लेवल अपडेट किया था 25,510, और अभी आप लोग देखोगे उस बेहतरीन अपर साइड की। देखो दोस्त, यहाँ पे 7,000-6,000 कमाने के लिए कितना मार्जिन यूज किया आप लोग को पता नहीं, 1,00,000 से 2-3 लाख रुपये मार्जिन यूज किया यहाँ पे, ठीक है। तो आप पे देखो, यहाँ पे लेवल भी दे दिए 25,461, मतलब यहाँ पे ये सब लेवल आप देख के ट्रेड कर नहीं सकते, क्योंकि आपको साइकोलॉजी दिमाग नहीं है, आपने यहाँ पे कोर्स में नहीं लिया, यहाँ पे ऑलरेडी देखो लेवल दे चुका है, क्योंकि आप लोग ट्रेड नहीं कर सकते है। और मैं ये देखो यहाँ पे बैंक निफ्टी में ट्रेड किया राइट, ये कौन सा बैंक निफ्टी है देखो, यहाँ पे देखो ये बैंक निफ्टी है राइट, तो हम बैंक निफ्टी नहीं, हम किसने ट्रेड कर रहे हैं, अपना कौन सा है, अपन ट्रेड किसने किया, अपन किधर ट्रेड किया, मेरा मार्जिन छोड़ दो, अभी हम ट्रेडिंग किया कॉल पोजीशन,
ऑल पोजीशन में हम लोग कैंसिल किया, बैंक निफ्टी 50 में ट्रेड किया राइट। तो यहाँ पे देखो इतना है राइट, अगर मैं यहाँ पे अगर पेपर ट्रेडिंग में देखूंगा कितना लॉस हो रहा है, एक बार यहाँ पे देखो प्रॉफिट भी इंक्रीज हो रहा है राइट। 232 अगर मैं होल्ड अभी तक करता तो भी मेरे को 232 प्रॉफिट मिलता राइट। तो मैं जो भी मैं प्रॉफिट लिया है 200 राइट, मेरे का बेटर प्रॉफिट है राइट। ये पेपर ट्रेडिंग है, ये जो पेपर ट्रेडिंग है ये भी रियली ट्रेडिंग सोचना ठीक है, क्योंकि यहाँ पे द परफेक्ट दिखा जाता है। यहाँ पे भी जो होगा यहाँ पे भी एडिट करके एक बार रख दिया ना 57,440 जो प्राइस में अब लिया है राइट यहाँ पे, तो ये प्राइस सेम प्राइस यहाँ पे एक बार एडिट करके लगा दिया तो आपको रियली प्रॉफिट देखने को मिलेगा उधर ठीक है। तो अगर अभी भी मैं होल्ड करता तो मेरे को इतना प्रॉफिट देखने को मिलता राइट, 232 रुपीज प्रॉफिट। ये करीब यहाँ पे एक टाइम 400 भी हो गया था, आप लोग को दिखाया नहीं मैंने, तभी यहाँ पे प्रॉफिट बुक नहीं किया, 200 में प्रॉफिट बुक किया। क्यों, रीजन क्या है, क्योंकि साइकोलॉजी है, प्रॉफिट बुक करना वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है ठीक है। अगर मैं चाहे तो हर रोज मैं सर्टिफिकेट ले सकता हूँ, एक महीने तक लगभग हर रोज प्रॉफिट कमा सकता हूँ मैं। ये फायर का चाहिए 60 डेज का मैं चैलेंज जीत सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास दिमाग है। मैं चैलेंज मतलब हमारा फायर ब्रोकर जो है ठीक है, मैं 30 डेज का यहाँ पे चैलेंज होता है ठीक है। अगर 30 डेज में प्रॉफिट हर रोज प्रॉफिट कमा सकते हैं, क्यों, मैं ऑप्शन सेलर हूँ, आप लोग नहीं कमा सकता है, हम कमा सकते हैं, मैं गारंटी से बोल सकता हूँ ठीक है। और जो भी है 60 डेज देख रहा है ना आपका, 60 डेज कौन सा है, हमारे पास काइट है राइट, काइट है। अभी मैं इसका वन करके देखता हूँ, ये मेरा ही है ठीक है। अभी पासवर्ड लगाना पड़ेगा ठीक है, यहाँ पे फंड में बिल्कुल नहीं रखा, 6 लाख कैपिटल सॉरी 6.6 देखो डियर माय फ्रेंड्स, ब्रोकर्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप चाहे तो ये काइट का जो भी जीरो द प्लेटफॉर्म है इसका 60 डेज चैलेंज वो भी मैं जीत सकता हूँ, कि मेरे पास कॉन्फिडेंस है ठीक है। आप चाहे 200 रुपया 10 रुपया वो नहीं है, आपको कैपिटल ग्रो होना चाहिए, यहाँ पे लॉस बिल्कुल नहीं होना चाहिए, तभी जाकर आपको परफेक्ट मिलेगा। मगर क्या है यहाँ पे आशा कचा शेर खान यहाँ पे जीरो द प्लेटफॉर्म जितने भी प्लेटफॉर्म है ये यहाँ पे ये जो भी अच्छा खासा मतलब देखने को मिलता है ठीक है। अगर आप जाएगा तो यहाँ पे ऑलरेडी एक साइडवेज में चिकना मिल रहा था। अगर मैं सवेरे से होल्ड करता था ना 10 बजे के बाद से, तो मेरे को यहाँ पे 1,000 रुपया आज प्रॉफिट देखने को मिलता था। मैं अगर मैं आया अभी यह सब अच्छा खासा ट्रेंडिंग देख रहा है, मतलब ये सब ये दिमाग थोड़ा सा लगाना है। इसके लिए आपको चाहे मेरे पास से कोर्स लो, नहीं तो बर्सर ट्रेडिंग से ले लो, किसी का पीस से ले लो ट्रेड, आप लोग कोर्स लेना जरूरी है ठीक है। नहीं लिए तो आप ट्रेडर कैसे बनेगा। मेरे पास एक ब्रोकर नहीं है, मेरे पास SBI कैप सिक्योरिटी काइट है, फिर फायर शेर खान 1 2 3 4 फिलहाल तो 4 है और तो अभी नहीं है, फिर देखूंगा कब क्या होगा। और लेस ब्लू खोलना पड़ेगा क्योंकि मैं ऑप्शन सेलर पे मार्जिन का बेनिफिट मेरे को नहीं मिलता यहाँ पे, क्योंकि जीरो द पे भी नहीं मिलता और फायर्स पे भी नहीं मिलता और SBI स्मार्ट में भी नहीं मिलता और ये शेर खान भी मतलब जितना ब्रोकर है मेरे पास ये हाई लेवल ब्रोकर है ठीक है। यहाँ पे मार्जिन मिलना बहुत मुश्किल है, ज़्यादा मार्जिन यूज़ नहीं कर सकते। यहाँ पे ऑलरेडी कैपिटल में यहाँ पे 198 राइट, ग्रो होगा ऊपर नीचे होते ही रहेगा, दोनों में प्रॉफिट, ये रियली प्रॉफिट हो रहा है राइट। तो हम लोग प्रॉफिट लेकर निकाल गए 200। तो थैंक यू डियर माई फ्रेंड, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो ज़्यादा बड़ा बना के बात करके करके, क्योंकि FIDI का डाटा देखना कैसे एनालिस करना, मैं अभी थोड़ा काम है मेरा ठीक है। थैंक यू डियर माई फ्रेंड्स, टेक केयर। और कैपिटल को ग्रो करना वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है ठीक है, धीरे धीरे ग्रो करना, उसके बाद सिंगल लॉट में ट्रेड कर सकते हैं। आपका पास अगर 2,000 रुपया हो जाएगा ना कैपिटल ग्रो करने के बाद, उसके बाद आप सिंगल लॉट में 600 रुपया लॉस उठा सकता है। अगर 600 रुपया प्रॉफिट हो जाएगा तो 1,200 रुपया हो जाएगा राइट। ऐसा ग्रो होता है भाई, एक दिन में ऐसा नहीं है ग्रो होता है। आप लोग ग्रो करने के जाएगा ना, जैसा एक दिन में 8,000 कमाने जाएगा, फिर ऊपर से अगर उल्टा हो जाएगा 8,000 चले जाएगा, वो मेरे को पता है, मैं हर प्रैक्टिस करके परफेक्ट हुआ है। अभी मैं इतना बोल सकता हूँ, मैं
कैसा भी 60 डेज चैलेंज जीत सकता हूँ, 30 डेज चैलेंज जीत सकता हूँ, मेरे पास इतना नॉलेज है। थैंक यू डियर माय फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना।